कंज्यूमर की, जहां सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर कॉल दी है। टारगेट है 1050 रुपए। जो दूसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट है वो हाईलाइट करता है डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ इंडिया में। तो कहीं ना कहीं जो लोकल मार्केट्स हैं वहां बेहतरीन परफॉर्मेंस है। हालांकि इंडोनेशिया और लैटाम यानी लैटिन अमेरिका में आपने हल्का सा प्रेशर देखा है ग्रोथ पे, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी अगर आप देखें तो 9 से 10% का अनुमान है कि ग्रोथ होगी। तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही बढ़िया करते हुए गोदरेज कंज्यूमर के लिए, ऐसा सीएलएसए का मानना है। सिटी ने अपना टारगेट मैरिको पे बढ़ाया है क्वार्टरली अपडेट के बाद। उनका नया टारगेट है 595 यानी 600 रुपए के आसपास। सिटी का मानना है कि जो कोकोनट ऑयल और जो दूसरे हेयर ऑयल कैटेगरीज हैं वहां बहुत बेहतरीन ग्रोथ आपको मैरिको में दिखी है। कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल्स यानी जो खाद्य तेल है वहां थोड़ा बहुत आपको प्रेशर दिखा है ग्रोथ पे, लेकिन अगर आप पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स देख लें, कोकोनट ऑयल देख लें या फूड सेगमेंट भी देख लें तो यहाँ काफी अच्छा ग्रोथ अनुमानित है। और इसीलिए यहाँ सिटी ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ा के 550 के ऊपर से करके 595 कर दिया है। राय एक इंडिपेंडेंट व्यू की भी लीजिए। ऑल टाइम हाई पर ये काउंटर और एक बढ़िया रिपोर्ट आपके सामने यतिन जी पेश करते हुए दिखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। यतिन जी, तो शैल जी देखिए, जहां तक कि जेपी मॉर्गन का सवाल है, रिलायंस पे इन्होंने टारगेट लगभग 210 रुपए से बढ़ा दिया है। बहुत ही बड़ा टारगेट प्राइस हाइक किया है और न्यूट्रल रेटिंग के साथ टारगेट बढ़ा के कर दिया है 2465 रुपए। 2465 ये टारगेट बढ़ाने का कारण जेपी मॉर्गन का दो पहलू पे है। सबसे पहले उनको लगता है कि टेलीकॉम की जो टैरिफ हाइक है वो बहुत जल्द हो जाएगी। तो आपको शायद दिखेगा कि चाहे वो प्रीपेड हो पोस्टपेड हो, शायद टेलीकॉम में आपको इसका दाम बढ़ते हुए दिखाई दे नियर टर्म में। इसके अलावा कोई मेजर अपसाइकल दूसरे सेगमेंट की अर्निंग्स में उनको दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर यहां से कोई अपसाइकल आ जाए खास करके टेलीकॉम सेगमेंट में, तो आपको दिखेगा कि काफी जबरदस्त आपको मुनाफा कंपनी कमाती हुई दिखेगी। जेपी मॉर्गन का मानना है कि उन्होंने जो टारगेट बढ़ाया है वो वैल्यूएशन मल्टीपल्स बढ़ाए हैं सभी के सभी सेगमेंट में। तो चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, टेलीकॉम हो या रिटेल हो, सभी के सभी पहलुओं पे जेपी मॉर्गन को लगता है कि यहां से आपको वैल्यूएशन में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ये आपके सामने फाइनेंस का सवाल है, यहाँ ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। जहां तक कि क्रेडिट स्वीस का सवाल है, इन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। अब नया टारगेट है 7,500 रुपए। क्रेडिट स्वीस का मानना है कि जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस ने अपनी ग्रोथ में रिकवरी दिखाई है, एसेट क्वालिटी भी बढ़िया तरीके से उभर के आई है, कहीं ना कहीं यहाँ आपको जो है अर्निंग्स में चेंज बदलाव लाने पड़ेंगे ऊपर की तरफ। जहां तक कि क्रेडिट कॉस्ट का सवाल है, थोड़ा बहुत प्रेशर रहा है क्योंकि मार्केट काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है एनबीएफसी सेगमेंट में। तो कहीं ना कहीं जो उनके मार्जिन्स हैं उस पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि कंपनी अपना जो क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस है वो 2.5% के आसपास उसको मीट करता हुआ दिखेगा। तो जहां तक कि क्रेडिट स्विस का सवाल है, बजाज फाइनेंस पे उन्होंने अपनी रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट बढ़ा के कर दिया है 7,500। टारगेट है 1500 रुपए। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो ईयूएम ग्रोथ है तिमाही दर तिमाही बेसिस पे आपको लगभग 4% होती दिखाई दे रही है और साल दर साल बेसिस पे लगभग 24% का ईयूएम ग्रोथ है। इसके अलावा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, देखिए ये बहुत जरूरी है कि जो आपने लोन दिए हैं उनका कलेक्शन भी हो जाए टाइम पे, तो वो भी काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो रही है। जो पहली वेव में हमने इम्पैक्ट देखा था वो दूसरी वेव में नहीं दिखाई दे रहा है और कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी आपको देखने को मिली है, बावजूद इसके कि सेकेंड वेव का इम्पैक्ट था सेकेंड क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं जहां तक कि एयू बैंक का सवाल है, क्वार्टरली अपडेट बहुत ही अच्छा है और यहाँ मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट कॉल, जैसे कि मैंने पहले कहा टारगेट है 1500 रुपए।